तो आप देख सकते हैं कि अभी हम जंगल से गुजर रहे हैं और जंगल बहुत ही घना यहाँ का जंगल है कलाम, जहाँ मंडल जील से वापसी के ऊपर जब कलाम की तरफ हम आते हैं तो अगर लाइट बंद करें तो बहुत ही ज़्यादा, बल्कि अभी मैं लाइट भी बंद करता हूँ तो फिर आप मज़ीद भी देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म का। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आज हमारा तीसरा दिन है और दूसरी रात थी होटल में, हमने यहाँ पे तीसरी रात सवात के अंदर, कलाम के अंदर, शहर के अंदर गुजारी है। और अभी हम ये हमारा होटल है, ये सामने हमारी थार भी तैयार हो गई है, वो देखें उमर तैयार कर रहा है थार वो देखें उमर मैट से झाड़ रहा है थार के। रात को तो हमें एक शेर भी नजर आया था जंगल में और अल्लाह पाक ने बचा लिया, बस वहां से बड़ी मुश्किल से निकले हैं, बहुत ही घना जंगल था खौफनाक किस्म। तकरीबन टाइम हो गया है तो थोड़ा सा हम लेट ही हो गए। रेडी है? ये देखिए जी, उमर कह रहे हैं हमारी थार जो है वो रेडी है। रास्ते में कभी मैं नहीं गया और अभी मेरा दिल चाह रहा था कि शाम वाले रास्ते से हम जाएं, इंशाल्लाह से होकर शाम रात को शाम में रहने का रास्ता रखते हैं, तो उसके बाद फिर अगले दिन देखेंगे क्या पूरा बनता है। अभी हम जा रहे हैं रास्ते में और बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, जो है वो गर्मियों में भी लेके आए और ऐसे नज़ारे हमें दिखाता रहे। जो जो भी वीडियो देख रहे हैं अल्लाह पाक सबको यहाँ लेके। ब्लू कलर का पानी है, बिल्कुल ब्लू कलर का पानी मुझे लग रहा है और अचानक मैं यहाँ पे उतरा हूँ और इस मंज़र को देखने के लिए मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ। चीज़ आपको दिखाता हुआ चलूँ, ये इन्होंने ये भूसा किस तरह सेव किया हुआ है, ये देखें बर्फ़ पड़ती है इन इलाकों में और ये भूसा इन्होंने देखें किस तरह शेड बना के उसके अंदर भूसा रखा हुआ है। सामने मस्जिद मुझे नजर आ रही है, बहुत ही प्यारी मस्जिद है।
ये बताओ कि ये इतने पत्थर आए या सैलाब से सारे इधर घर बने हुए थे? इधर था, था, रोड पक्के हुए था। हाँ। तरकोल डाला था, तरकोल भी था, इधर सड़क बनी हुई थी बेहतरीन। तो ये सारे पत्थर वहाँ से सैलाब से रोड के आए? सिलसिला भी आया? नहीं नहीं, सिर्फ सैलाब से सैलाब आया था। ये तो ग्रेनाइट लग रहा है। Yeah.